आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हमारे साथ डॉक्टर रितेश भाग्यवंत, जो कि मराठवाड़ा के जाने माने MBBS MS ENT है। आइए आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, हम सबके शरीर में, खास तौर पे महिलाओं के शरीर में, ऐसे बहुत से बदलाव होते हैं जिसे हम पहले तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये हमारे लिए बहुत बड़े बीमारी का स्वरूप निकलते हैं। जैसे थायराइड के लक्षण भी कुछ ऐसे ही है, जो साधारण सी लगने वाली शरीर की समस्याओं को गंभीर बीमारी तक ले जाती है। हम समझ पाए तब तक काफी देर हो जाती है। अक्सर थायराइड के लक्षण को हम शुरुआत में समझ ही नहीं पाते हैं, और बाद में ये अनदेखे लक्षण हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड तक पहुंचा देती है। थायराइड ये हमारे बॉडी में ऐसी ग्रंथि है जो मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। इसमें मौजूदा हार्मोन्स T3, T4 और TSH का स्तर कम या ज्यादा होने से ये समस्या होती है। जोड़ों में दर्द, सूखी त्वचा, कब्ज, थकान, जुखाम, बालों का झड़ना, डिप्रेशन, वजन बढ़ना या वजन कम होना, प्रतिरोधक क्षमता में कमी आना, खाना खाने में तकलीफ होना, हाथ और पैर ठंडे हो जाना और माहवारी में समस्या होना। अगर आप इन सब लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए थायराइड की समस्या की सूचना हो सकती है। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हमेशा की तरह एक स्पेशलिटी डॉक्टर के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आज हम आ पहुँचे हैं एडवांस ENT हॉस्पिटल, जो गारखेड़ा परिसर, गजानन मंदिर रोड पे स्थित है। इस हॉस्पिटल में स्पेशलिटी ENT ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर हम पहुँचे हैं डॉक्टर रितेश भाग्यवंत जी से बात करने वाले हैं। क्या थायराइड क्या होता है, थायराइड के उपचार कैसे किए जाते हैं? आज दिन ब दिन थायराइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? थायराइड की समस्या मुख्यतः स्त्रियों में पाई जाती है। ये ग्रंथि की बीमारी है, जिसमें ग्रंथि का द्रव की मात्रा अगर शरीर में कम होती है तो हमें उसके लिए थायराइड की दवा देनी पड़ती है, और अगर ज़्यादा मात्रा होती है तो भी दवाई देना पड़ती है। ग्रंथि के बारे में बहुत सारे लक्षण रहते हैं, जैसे गले में बाहर गिठान आना, थकावट आना, काम के टाइम पर सुस्ती आ जाना, धड़कनें बढ़ जाना, पसीना छूटना, और सबसे ज़रूरी शिकायत जो रहती है वो रहती है शरीर के वज़न की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होना या मोटापा आना। ये सब लक्षण थायराइड से संबंधित है, और इन सब लक्षणों के कारण है दिन ब दिन बढ़ने वाला तान, तनाव, स्ट्रेस, खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादातर स्टोर्ड फूड रहेगा या फिर प्रिजर्व्ड फूड रहेगा, जिसको बोलेंगे अपन, जिसको ज़्यादा दिन तक यूज़ किया जाता है, जो नैसर्गिक मात्रा में नहीं यूज़ किया जाता या कम यूज़ किया जाता है, तो ये सब कारण है थायराइड के बीमारी होने के। सर, थायराइड के पेशेंट में अगर वक्त पे इलाज नहीं किया गया तो उनको कौन सी बड़ी बीमारी हो सकती है? थायराइड की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां, मतलब हमेशा के लिए या पूरी ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ सकता है, जिसे हम थायराइड रिप्लेसमेंट या हार्मोन रिप्लेसमेंट बोलेंगे, या थायराइड ग्रंथि में गिठाने हो सकती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, और वो गिठाने होने की वजह से ग्रंथि के काम में रुकावट आना, उन गिठानों का रूपांतर कैंसर सदृश गिठानों में होना, ये सब लक्षण कैंसर की और बाकी गिठानों की तकलीफ की वजह से थायराइड के लिए काफ़ी गंभीर स्वरूप के बीमारी को उत्पाद दे सकते हैं। और इन सब बीमारियों को हर कोई तरह का इलाज उपलब्ध है। जैसा आपने बताया है कि थायराइड के पेशेंट को लाइफ टाइम गोली खाना पड़ता है, इसके अलावा कुछ ऐसा शस्त्रक्रिया या कुछ ऐसा मेजर उपचार किया जाता है जो लोगों को मालूम नहीं है अभी? थायराइड की जो सब तरह की बीमारी होती है, जिसमें गिठान आना, जिसको ग्वाइटर बोलेंगे, या फिर उसके अंदर कैंसर का कुछ प्रमाण आ जाना, तो इन सभी बीमारियों के लिए ऑपरेशन ये सबसे सही इलाज होता है। थायराइड के बारे में ऐसा है कि अगर बिना कोई गिठान हुए अगर ग्रंथि में सूजन आती है
और सिर्फ उसका जो द्रव शरीर में खून की मात्रा अगर कम होती है तो हमें उम्र भर उसके लिए गोली देना पड़ता है, जिसको थायरोक्सिन या सप्लीमेंट थेरेपी बोलेंगे हम। और जो जिस बीमारी में थायराइड के द्रव की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम थायराइड स्कैन करके और कुछ रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट देके इलाज कर सकते हैं। थायराइड के कितने प्रकार होते हैं और दर्शकों ने कैसा समझना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रकार का थायराइड है? मुख्यतः थायराइड की हार्मोन संबंधित दो बीमारियां होती है, जिसमें पहली बीमारी होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम तैयार होती है, जिसका कारण बहुत बार थायराइड की आनुवंशिकता रहना, जैसा फैमिलीज में किसी माँ को है तो उनकी लड़की को होने के चांसेस 50% होते हैं। तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं वज़न में बढ़ोतरी होना, थकान आना और स्किन का लश्चर या स्किन का तेज कम हो जाना, भूख ज़्यादा लगना। और दूसरा जो प्रकार रहता है थायराइड हार्मोन का बिगाड़ होने में, तो वो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम थायराइड ग्रंथि में उसकी मात्रा ज़्यादा होना बोलते हैं। तो हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने से पसीना आना, धड़कने तेज हो जाना, शरीर कमज़ोर और वज़न कम रहता है, और ऐसे पेशेंट को गर्मी से या हीट से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये सब लक्षण होते हैं। और इन सब लक्षणों का इलाज हम अलग तरह से एंटी थायराइड ड्रग देके करते हैं। सर, आपने अभी तक हाइपो और हाइपर थायराइड के बारे में जानकारी दर्शकों को तो दी है, तो एज ENT सर्जन इस नाते से हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा सभी दर्शकों को ये संदेश रहेगा, थायराइड और उसकी तकलीफ़ों को आप खुद समझ सकते हैं और उसके बारे में आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो ये जो सब लक्षण मैंने बताया है, जैसे वज़न बढ़ना या वज़न कम हो जाना, थकावट आना, गलावट आना, मासिक जो भी ये रहता है उसकी तकलीफ होना, तो ये सब लक्षणों के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी घर में या खाने में यूज़ होने वाला नमक है उसमें आप कंपलसरी या जानबूझ के आप उसमें आयोडीन की मात्रा है, इसलिए कोई भी ISI मार्क वाला ही नमक खाया कीजिए। और उससे भी ज़रूरी है कि जो गाइट्रोजन या गिठान पैदा करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे गोभी है, जिसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, और सोयाबीन है और सोयाबीन का तेल है, इन सभी चीज़ों को आपने खाना बंद करना चाहिए अगर आपको थायराइड का निदान होता है तो। और अगर आपको थायराइड संबंधित कुछ भी लक्षण आते हैं तो ENT सर्जन के पास जाइए, आपका थायराइड का निदान रक्त में थायराइड की मात्रा जांच कर हो जाएगा और आपके लक्षणों से हो जाएगा। और ये कोई भी थायराइड संबंधित बीमारी चिंता जैसी नहीं है, हर बीमारी का इलाज उपलब्ध है और आप आपकी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं, कोई उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।